Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you a question of jumbled sentences. आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे. स्टूडेंट्स, jumbled sentences के क्वेश्चन में आपको फोर सेंटेंसेस दिए होंगे, ए बी सी डी. ये चारों जंबल्ड है, मीन्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. आपको ध्यान से पढ़ना है और पकड़ना है कि इनका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा. इसके लिए आपको फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी. इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है जो कि करेक्ट ऑर्डर होगा. जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सिस्टमेटिकली लगातार आप पढ़ें ए बी सी डी को, जंबल्ड ऑर्डर में ना पढ़ें. और देखें कौन सा वर्ड वो नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है. इस आधार पर आपको पकड़ में आएगा कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा और कौन सेंटेंसेस उसको फॉलो करेंगे. आइए शुरू करते हैं. नंबर ए, द स्टूडेंट्स ऑफन. आपका ऑफन जो है एक रुकावट पैदा कर रहा है, इससे पहला सेंटेंस नहीं होगा. सेकंड में आपका बट कंजंक्शन जो है ये रोक दे रहा है, अतः बी भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. सी, अ बेल ये इंट्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि अगले सेंटेंस में इट है. अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन वेन इट इज रंग, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. अब इसकी चर्चा, इसकी कंटिन्यूएशन नंबर बी में जा रही है, कंट्रास्ट बट से. बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे, ये आपका दूसरा हो गया. सी बी, अब देखिए सी से आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं, एक बी में और एक डी में. सी के बाद दूसरा सेंटेंस आपका बी होगा. सी और बी आपके नंबर बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी आपको राइट ऑप्शन मिल गया. एग्जामिनेशन में यहीं पर रुक करके आप मार करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं अगले सेंटेंसेस को भी आपको पढ़ करके मैच करा देता हूं. अब देखिए ठीक उसके बाद में, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे, इट हैज बीन स्क्रैप्ड, इसे खत्म कर दिया गया है. ये थर्ड सेंटेंस आपका हो गया. इट हैज बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच नाउ ब्रेक्स of the timetable of the school. And number A आपका fourth sentence हो गया. The students often go about their business singing along in the corridors. Right answer आपका students number B हुआ. अब आप इसको उसी order में पढ़ करके देख लें. Number one C होगा. A bell can sound gloomy or cheerful depending on when it is rung. नंबर टू आपका बी होगा. बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे. और नंबर थ्री आपका डी होगा. इट हैज बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच नाउ ब्रेक्स अप द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल. एंड नंबर फोर ए होगा. द स्टूडेंट्स ऑफ एन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी बी डी ए. तो पैसेज नंबर टू पे आते हैं. आपके फोर जंबल सेंटेंसेस हैं. नंबर ए, फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, एक पल के लिए, यानी ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये इसे फर्स्ट सेंटेंस होने से रोक रहा है. एट फर्स्ट, सबसे पहले, यानी इसके पहले कुछ नहीं हुआ, यानी ये आपका बिल्कुल सही एडवर्ब ऑफ टाइम पकड़ा गया, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. तो नंबर बी, एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन. अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन ए डी से शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी सी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी बी से और ऑप्शन डी भी बी से है. यानी आपका आंसर इन्हीं दो में से है, आइदर सी और डी. यहाँ बी के बाद सी है और यहाँ बी के बाद डी है. तो देखिए सेकंड सेंटेंस कौन होता है. तो एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन. रिकॉग्नाइजिंग हिम, अभी ये पर्सन अचानक कहाँ आया, जबकि फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर बी में कोई भी पर्सन की चर्चा नहीं है. ऑल सीम्ड आउटसाइड द हाउस, यानी सब कुछ लगा, वो चीज भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है. यानी सी आपका सेकंड सेंटेंस नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमिनेटेड हो गया, ऑप्शन ए और बी भी एलिमिनेटेड हुआ, यानी बचा आपका ऑप्शन नंबर डी. यहां से भी आप आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं. डी, बट देन, लेकिन उसके बाद, एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस, बट देन, लेकिन उसके बाद फुट स्टेप्स,
बट देन फुट स्टेप्स अप्रोच द हाउस. यहां देखिए आउटसाइड द हाउस अप्रोच द हाउस. गौर से देखना है, इन्हीं सब चीजों को पकड़ना है स्टूडेंट्स. एंड ए स्ट्रेंजर, एक नाउन आया, इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस. यानी आपका डी जो है वो सेकेंड सेंटेंस हो गया. अब आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल कन्फर्म्ड हो गया. और तब देखिए, बट देन फुट स्टेप्स अप्रोच द हाउस एंड ए स्ट्रेंजर इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस. नंबर ए आपका थर्ड हो गया. फॉर ए स्प्लिट सेकेंड एज द स्ट्रेंजर, कंटिन्यूएशन, एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इन टू द लाइट हिज फरी हेड वॉज क्लियरली विजिबल. रिकॉग्नाइजिंग हिम, स्ट्रेंजर को रेफर कर रहा है हिम आपका. तो ये आपका सेंटेंस नंबर फोर हो गया. रिकॉग्नाइजिंग हिम, जो स्टूड पेट्रीफाइड स्टेयरिंग एट द मैन वियरिंग ए लॉन्ग कोट टू वेट फ्रॉम रेन. राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी है. फर्स्ट सेंटेंस आपका बी, एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ रेन. सेकेंड सेंटेंस नंबर डी, सेंटेंस नंबर डी, बट देन फुट स्टेप्स अप्रोच द हाउस एंड अ स्ट्रेंजर इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस. उसके बाद नंबर ए, फॉर ए स्प्लिट सेकेंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट हिज फरी हेड वॉज क्लियरली विजिबल. एंड फाइनली नंबर सी, रिकॉग्नाइजिंग हिम, जो स्टूड पेट्रीफाइड स्टेयरिंग एट द मैन वियरिंग ए लॉन्ग कोट वेट फ्रॉम रेन. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पैसेज. सेंटेंस नंबर ए, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफोर, ये देयरफोर कंक्लूजन में आता है, अतः ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. नंबर बी, हाउएवर ये कंट्रास्ट शो करता है, और कोई भी पैसेज सीधे कंट्रास्ट से या कंक्लूजन से स्टार्ट नहीं हो सकता. यानी ए और बी में से कोई भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने जा रहा है. नंबर सी, बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स वुड वाज इजिली अवेलेबल इन यूरोप. ये आपका वुड वाज इजिली अवेलेबल, ये तुरंत कैसे आ गया, इसकी चर्चा तो पहले हुई नहीं. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयर फोर, यहाँ कंक्लूजन के वजह से ये कटा, हाउएवर कंट्रास्ट के वजह से कटा. यदि सी को फर्स्ट लेते हैं तो ये सीधे बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स वुड वाज इजिली अवेलेबल इन यूरोप, ये सीधे वुड की चर्चा कैसे हो गई. तो बचा स्टूडेंट्स आपके पास डी. तो देखिए आपके पास डी से दो आंसर्स हैं, एक है बी और दूसरा है सी. तो यानी ए और डी आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया. डी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. यानी आपका आंसर आइदर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपका डी मिल जा रहा है. इंडियन इंडिगो वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटीज रीच्ड द यूरोपियन मार्केट्स. अब डी के बाद देखते हैं ए होता है या डी के बाद सी होता है. तो गौर से देखिए आप, ए को यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर, चूंकि ये वेरी एक्सपेंसिव है और बहुत कम मात्रा यूरोपियन मार्केट से पहुंची, इसीलिए उन्हें डिपेंड होना पड़ता था वोट पर. देखिए वोट की चर्चा हो गई. यानी सेकंड सेंटेंस आपका नंबर ए हो गया, आपका आंसर सी कंफर्म्ड हो गया, एंड आंसर नंबर बी ये एलिमिनेटेड हो गया. थर्ड सेंटेंस आपका, बींग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स वुड वॉज इजिली अवेलेबल इन यूरोप. यानी थर्ड सेंटेंस आपका सी हो गया. अब बी आपका, हाउ एवर क्लॉथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो विच प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर. ये आपका नंबर फोर हो गया. सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, डी ए, डी ए सी बी करेक्ट ऑप्शन हुआ. सो नंबर फर्स्ट सेंटेंस आपका है, इंडियन इंडिगो वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटीज रीच्ड द यूरोपियन मार्केट्स. सेकेंड ए है, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन ए प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक डाइज. थर्ड सेंटेंस आपका सी, बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स का ये प्लांट है, वुड वॉज इजिली अवेलेबल इन यूरोप. एंड फोर्थ सेंटेंस नंबर बी, हाउएवर क्लॉथ डायर्स प्रेफर्ड, ज्यादा पसंद करते थे, बेहतर मानते थे इंडिगो विच प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर. राइट आंसर नंबर सी, डी ए सी बी. इस तरह से स्टूडेंट्स आप हमेशा देखेंगे हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, नाउन, प्रोनाउन,
हो सकता है वो कंजंक्शन हो, कनेक्टिव हो, और उसके आधार पर आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।